बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। प्यारे बच्चों, किसी सियाने का कॉल है, जो आज किताबें पढ़ेगा वो कल का लीडर है। तो आपको पता है कि लीडर वो होता है जो अपने अंदर तब्दीली लेके आता है। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि जो बेस्ट बुक है, जो सबसे अच्छी किताब है दुनिया में, वो कुरान मजीद है, जो कि ना हमें पिछले गुजरे हुए वक्त का खबरें देती है, बल्कि आने हुए वक्त की खबरें भी देती है। तो कुरान मजीद कहता है कि तुम्हें मैं वो रास्ता ना बताऊं, क्योंकि दुनिया में तीन चीज़ें हैं जिसके लिए इंसान सारी ज़िंदगी मेहनत करता है, कि वो बूढ़ा ना हो, उसके पास दौलत हो और उसे मौत ना आए। तो ये तीनों चीज़ें सिर्फ जो है जन्नत में मिलेंगी, कि ना बंदे को बुढ़ापा आएगा, ना बीमारी आएगी और ना मौत आएगी। तो क्यों ना हम ऐसे काम करें, अपनी दुनिया भी संवारें और आखिरत भी। तो मल्टीप्लाई एंड राइट द आंसर, ज़रब दें और जवाब लिखें, ये है सवाल 3×2। अब आप सोचें, आपने टेबल्स पढ़े हैं, आपको अगर 3 का टेबल आता है तो इसमें आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। चलें हम देखते हैं कि ये असल में 3 का टेबल है, स्किप काउंटिंग बाय 3। तो आप 3 को 3 और फिर जमा 3 करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसका आंसर है 6। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में है 3×5, ज़रब दें और जवाब लिखें। तो 3×5 के लिए आप काउंट 15 तक गिनती लिखें, आप गिनती लिखें और स्किप काउंटिंग करें 3 के साथ। जस्ट यहाँ पे वीडियो रोकें, खुद से करें। हमने देखा कि हमने 5 दफ़ा 3 के को करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 3+3 is 6, 3+6+3 is 9, 12 और फिर 15। तो 3×5 = 15। अब नेक्स्ट जो है वो बहुत ही आसान है, 3, 1:3। आपको पता है कि 3 को 1 के साथ जिसको भी मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 1 की एक ही वैल्यू है, तो 3×1 = शाबाश, वेरी गुड। तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 3, क्योंकि 1 जो है 1 × 3 है, तो 3 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम है 6×5। तो इसका मतलब है कि आपने 6 को 5 दफ़ा लिख के उसको ऐड करना है, ठीक है। तो अब हम इसको या आप स्किप काउंटिंग करें बाय 6। तो यहाँ पे रोकें, देखें इसका आंसर क्या है। तो अब हम देखते हैं कि हमने 6 में 6 जमा किए तो 12, फिर दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा 6 जमा किए तो 18, चौथी दफ़ा किए तो 24 और पांचवी दफ़ा किए 30। तो इसका जवाब है 30। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम, 6×2। तो आपने इसमें ये करना है कि स्किप काउंटिंग करनी है अब 2 times। तो 1 times यहाँ पे वीडियो रोकें, खुद अपने कॉपी पेंसिल पे लेके काउंटिंग लिखें और स्किप काउंटिंग बाय 6 करें। तो ये आ जाएगा हमारे पास 6, और फिर हम 6 के बाद आगे करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो 6×2 = 12। और जो हमने पहले टेबल किए थे, अगर वो हमें पक्की आ गए याद कर लें तो इसमें कोई मसला नहीं होगा, हम ज़बानी भी ये कर सकते हैं। तो ये है 10×2। अब आपने पहले टेबल भी किया हुआ है 10 का, तो हम जो है वो स्किप काउंटिंग बाय 10 करेंगे। तो आप एक दफ़ा 10 लिखें, उसके बाद 10 और ऐड करें, तो ये हमारे पास काउंटिंग में आ जाता है 20। तो 10×2 = 20, क्योंकि 10+10 = 20। फिर हम देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है 9×4। अब आपने स्किप काउंटिंग बाय 9 करनी है, यानी 9। अब यहाँ पे आप रुकें, अपनी जो बुक है उस पर लिखें, नंबर्स लिखें। तो 9 जहाँ पे आता है, फिर उसके बाद 9+9 = 18, 3×9 = 27, और चौथी दफ़ा 9 जब आएगा तो हमारे पास आ जाएगा 36। तो दिस इज़ आंसर इज़ 9×4 = 36। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास 8×3। तो आपने 8 की स्किप काउंटिंग करनी है, यानी आपने नंबर्स लिखे 1, 2, 3, 4, 5, 8 के गिर्द एक दफ़ा 8
दायरा लगाएं, फिर दूसरी दफ़ा जब 8 रिपीट होगा तो 16 आ जाएगा, जब तीसरी दफ़ा 8 रिपीट होगा तो हमारे पास 24 आ जाएगा। तो दिस इज़ ये जो है काउंटिंग है, ये स्किप काउंटिंग बाय 8। उम्मीद है आपको लेसन पसंद आया होगा, इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।